का मौका मिले. तो दिस इज़ वन ऑफ द फिल्म ऐसी बहुत टाइम बाद किसी ने पिच की, तो मैं सोचा कि दिस व्हाट अ बेटर डेब्यू देन दिस. और इट्स फाइनली हैपनिंग, इट्स फाइनली रिलीजिंग एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे. शूट भी काफी लुकिंग एट द टाइटल, द टाइटल इज समथिंग वेरी डिफरेंट. जैसा कि हमारा नाम कहता है इस पश्मीना, इट्स इट्स जस्ट द सेम. द मूवी इज अबाउट प्योर लव. पश्मीना जैसे जितना प्योर है और जितनी इश्क में जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत हमारे फिल्म में. शूटिंग भी काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पे हुई, कहाँ कहाँ हुई थी और कैसा अनुभव था शूट? शिमला की वादियों में शूटिंग है, बर्फ़ में वाइट चादर पूरा शिमला में 200 साल में इतनी बर्फ हुई पड़ी थी जब हम शूट कर रहे थे. फिर -5 में हमने शूट किया, 4 दिन हमने, 3 दिन लखनऊ में थे, 3 दिन मुंबई में थे, बस शिमला में वहाँ शूट करने अलग मज़ा आया. किसी ने सोचा था कि मैं इस लेवल का काम कर रहा हूँ. और ट्रेलर देखने के बाद सबने ऐसा लोगों ने बोला कि मार इस ले फाइनली. देखो मैं पहला हूँ, ऐसा कोई भी ऐसा आउटसाइडर या इन्फ्लुएंसर नहीं है हमारे पास जो जिसकी फिल्म रिलीज़ हो पाई हो और ऐसे बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो पाई हो, तो हम कर पाए वही मेरे लिए बड़ी बात है. और ज़िंदगी में उछाल उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे एंड आई होप कि इसके आगे सब बहुत अच्छा होगा. मैं और मालती शॉर्टकट बहुत बातें करते थे, तो हमारी बातें ही हमारी ऑफ स्क्रीन में बैठा, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो हमने बहुत लोगों के बारे में इतनी पिचिंग की हमने पूरी दुनिया के बारे में. तो लेकिन इन्फ्लुएंसर की बात कर ले, बिग बॉस में जन्नत भी जा रही है, बैजू भी जा रही है, दोनों मेरे दोस्त हैं, अगर जा रहे तो उनको जरूर सपोर्ट करूँगा. आपको कोई ऐसा है एक सेकेंड, अगर मौका मिलता है ऐसे बुलाते रहते हैं, कॉल करते हैं 2-3 साल से कर रहे हैं. अभी कुछ नहीं. आगे क्या, ये तो आपका हो ही गया, आगे क्या करें? आगे और भी मैं कर रहा हूँ यार. मेरा एक शो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, सोशल करेंसी, एक फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, अभी निकलने वाला हूँ. गुजराती फिल्म शूट कर रहा हूँ, तो लंदन में शूट है, तो मेरा गुजरात में भी डेब्यू होने जा रहा है. थैंक यू. जब आपने फिल्म की शुरुआत की थी जो लीड का बड़ा नहीं होता है, और इस चीज़ को ऑडियंस साबित करेगा कि कौन छोटा कौन सा बड़ा है. बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई काम शिद्दत से करते हैं तो उसका ऊपर वाला भी साथ देता है. जो रिजल्ट आपके सामने है देखिए, बहुत सी मूवी बनती हैं और डिब्बे में पैक हो जाती हैं, लेकिन मेरे साथ गॉड था और आपकी पब्लिक थी, आप लोग हो. मैंने फर्स्ट मूवी बनाई और आज मैं रिलीज कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी. देखिए हमारे मूवी का नाम है इश्क पश्मीना और कल के डेट में रिलीज हो रही है 23 सितंबर. और रही बात, क्या क्वेश्चन था आपका, फिर से रिपीट बोले. देखिए इस मूवी में सबसे खास बात ये है कि ये मूवी आपके दिल को छू करके जाएगी. लव स्टोरी, प्योर लव स्टोरी मूवी बनी जो आज से 6 साल के बीच में कभी किसी ने ना देखा हो. और सेकंड ये कि हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करी है, ना साउथ की करी है और ना हमने हॉलीवुड की करी है, हमने दिल से न्यू स्टोरी और अच्छे तरीके से बनाया है. रिपीट सर प्लीज. देखिए भाविन के लिए और जितने हमारे एक्टर्स हैं सबके लिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. जैसे कि हमारे डायरेक्टर अरविंद पांडे जी हैं, उनके लिए भी डेब्यू है, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. आई एम प्रोड्यूसर, हम न्यू हैं, मेरा नया प्रोडक्शन हाउस है, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. इसी तरीके से भाविन भानुशाली एंड मालती चाहर, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये मूवी हिट होगी तब उनकी तकदीर आगे बनेगी. और ये बनाने के लिए पब्लिक ही है, जहाँ तक आप लोगों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि नए एक्टर्स को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है आप सभी जानते हो. हमारे तरफ से इतना खाली रिक्वेस्ट है कि आप उनको आगे बढ़ाओ, प्लीज कुछ अच्छा देखो, ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी, 110% आप अच्छा फील करोगे. सब्जेक्ट पे काम करना और पहली फिल्म बनाना लगभग सभी मेरे बड़ों ने मना किया.
से यार, ऊपर वाला साथ है। नो डाउट, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी फिल्म को बनाने में जो डायरेक्टर होता है वो माँ की भूमिका निभाता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो पिता की भूमिका निभाता है। तो माता पिता के दोनों के सहयोग से, सपोर्ट से फिल्म बच्चे की तरह आकार लेती है और उसके बाद वो बच्चा कैसे होगा ये कल यानी 23 तारीख के बाद पता चलेगा कि उसका भविष्य कैसा है। देखिए मैं एक्चुअली भाभी मेरी बेटी गीति का फ्रेंड है, सो और हम आए यहाँ उसके डेब्यू के लिए। वी वॉश विश हिम ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छा बंदा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, सो बस हम खुश हैं यहाँ पे उसके लिए। हमें प्रेम की बस सक्सेसफुल रहे ये, बाकी गीति का है ये खास दोस्त है। भविन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इज़ अ वर्कहॉलिक, मतलब वो इतना काम करते हैं, मैंने उनका काम पहले से देखा है और अब उनकी मूवी भी आ गई है, उनकी फर्स्ट मूवी। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश हिम लक फॉर योर फ्यूचर। भाविन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव अ विश करने के लोगों को, मतलब आई विश देम ऑल द बेस्ट। फिल्म बनाने के लिए बहुत मुश्किल काम होते हैं, आई होप पीपल विल सी द फिल्म वेल, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तो बिग बॉस अभी खत्म किया मैंने, देखो बिग बॉस 16 आएगा तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगा बिकॉज मैं एक इंसान हूँ। देखो बिग बॉस मुझे फेम दिया है तो कभी वो चीज़ को मैं कभी लेट डाउन नहीं करूँगा जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था, तो ऑब्वियसली पहला प्रायोरिटी तो बिग बॉस ही है, तो आएगा तो हम बात करेंगे देखते क्या होता है। आई डोंट नो वो लोग आए थे, मुझे भी पता नहीं अच्छी ये बात, बट इफ दे डू गुड इट्स वेरी गुड, मुझे नहीं पता अभी तक। आई थिंक रियलिटी शोज गुड वंस काम, जो मेरा मेन शो कैरेक्टर बाहर आए अच्छे से तो जरूर करूँ। एक्सपीरियंस ऑफ कतरा फैबुलस, मुझे इतना अच्छा लगा ये शो में जाने के लिए। मुझे पता है आप लोगों ने सोचा था एक हफ्ते में चल जाएगा बाहर, बट एंड तक रहा मैं एंड आई वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत सेंस किया मैंने, और जो विनर है बहुत डिजर्विंग है, और ये ग्रैंड ओला मोड़ा से ग्रैंड फिनाले देखो, इतना मस्ती मैंने किया रणवीर सिंह के साथ, मतलब आप देखा और हंस के पाल हो जाओ। आई कांट से एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड और क्या हुआ है बिकॉज आई डोंट नो, स्मॉल सरप्राइज, बट इट्स अ धमाकेदार ग्रैंड फिनाले। मेरा तो रणवीर सिंह बहुत अच्छा हुआ है। भाविन की ये फर्स्ट फिल्म एज अ लीड, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और भाविन की जर्नी में बहुत पहले से देखता आया हूँ, इवन फॉर टेलीविजन एंड वेब सीरीज़ जो उसने काम किया है टेलीविजन और वेब सीरीज़ में, मैं जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो मुझे भाविन का रेफरेंस दिया जाता था, दैट इज़ एन अमेजिंग एक्टर। और कई बार ऐसा होता था कि भाविन की मुझे रेफरेंस वीडियोज़ भी दिखाई जाती थी कि यू नो वी वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, तो मैं तब से भाविन को जानता हूँ और मैं तब से यू नो भाविन को मोटिवेट करता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं उसको कहता रहता हूँ कि यू आर अ फैबुलस एक्टर, और उसने अपने लिए यू नो बहुत अच्छा मकाम खड़ा किया हुआ है, वेदर दैट्स अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और अ मूवी और वेब सीरीज, ही हैज डन एवरीथिंग, सो आई एम जस्ट विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। एंड ये मेरी दिस फिल्म रॉक इन द थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस में भी सुपर हिट हो, एंड हम लोग तो यहाँ पे भाविन के लिए आए हुए हैं, एंड ऑल्सो देयर इज विजेंद्र काला इन दिस फिल्म, तो वो भी यू नो बहुत ही प्यारे इंसान है, उन्हें भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे और हम लोग बस साथ में ये फिल्म देखना चाहते थे। दैट्स द रीज़न आई एम हियर। झलक दिखला जाए एक ऐसी जर्नी है
जिसमें हर हफ्ते यू नो मैं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आगे के परफॉर्मेंसेज भी जो हैं वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि आगे बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क आ रहे हैं। इस हफ्ते भी मैं जो नए डांस फॉर्म का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट फिर भी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। सो आई जस्ट होप जजेस को और जितने भी जनता को मेरा परफॉर्मेंस पसंद आए। टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज हम लोग 7-8 घंटे दिन में रिहर्स करते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट, तो घर पे टीवी देखने का ही टाइम नहीं मिलता। सो आई हैव नो क्लू। मेरी नवरात्रि तो झलक दिखलाजा के सेट पे ही मनने वाली है और आई होप कि हमें सबको साथ में गरबा करने का भी मौका मिले, क्योंकि उसके अलावा आई डोंट थिंक कि हम लोग कहीं जा पाएंगे, बट आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि घर के आसपास भी नवरात्रि के यू नो फंक्शंस हो रहे हैं और मुझे उसका पता अभी तक चल चुका है, इनवाइट्स आ चुके हैं। सो अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये नवरात्रि सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि हम 2 साल से मिस कर रहे थे। सो लेट्स सेलिब्रेट इट विद ऑल द जॉय एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। तो प्लीज़ देखना, उसके साथ बैठ के अभी देखने वाली हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और ऑफकोर्स मेरा फ्रेंड है, तो जब फ्रेंड्स अच्छा काम करते हैं तो बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, तो मैं बहुत खुश हूँ। पश्मीना का मतलब है प्योर लव,
ये स्नोफॉल ऐसे बरसात है यार, इन लोगों ने बहुत मेहनत की -5 डिग्री में, जहाँ पे कि आदमी ऐसे खड़े होकर हैं नो, शिमला में -5 डिग्री। नहीं सर मैंने किया है, ये ऐसा नहीं कह सकते नहीं किया है, लखनऊ भी किया है और बॉम्बे की यार होती तो नाम जरूरी था, लेकिन बॉम्बे में भी किया है। ये आया मेरा हीरो, दैट्स सर वेरी गुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। हाय सर, हाय हाय, इनकी फिल्म ऊपर लगी हुई है, अपनी फिल्म छोड़कर आए, अपनी फिल्म का फेवर छोड़कर नीचे आए। कोई नहीं यार, हम लोग सब एक हैं, हम सब एक हैं। यस यस यस, वी शुड सपोर्ट बॉलीवुड, इस सब पे सपोर्ट होना चाहिए। साल में इतनी सारी पिक्चरें आती हैं, इस पसंदीदा आप एक शाहरुख खान जी एक डर होता कि आई फील लाइक द थिंग ऑफ द वर्ल्ड, आज जो मेरे पे लागू हो रहा है, आई फील लाइक ऑन द टॉप ऑफ द यूनिवर्स। मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि 26 नियर अबाउट मुझे कंफर्म नहीं है, लोग बोलते हैं 2600 मूवी बनती है, लेकिन रिलीज ओनली फॉर 50 होती है, उस 50 में हम लोगों की मूवी है। बहुत अच्छी लगी और इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है, लग नहीं रहा कि पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनका पहले से कुछ रिश्ता है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ, तो इतनी अच्छी केमिस्ट्री सिर्फ अच्छे दोस्तों की या अच्छी एंकर आ जाते ना जहाँ भी मेरे को ये शक है कि ये इतनी अच्छी केमिस्ट्री का रीजन क्या है, या तो ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आई थिंक हम वो कंटेंट आपके शो पे आके देंगे। नो बट ऑनेस्टली गाइस, इसकी जर्नी मैंने देखी है फ्रॉम स्मॉल कैरेक्टर्स टू द लीड हीरो ऑफ अ फिल्म। बहुत अच्छा काम किया है इसने इस फिल्म में और बहुत ही फ्लॉलेस लग रही है इनकी केमिस्ट्री। आप प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और बॉलीवुड को सपोर्ट करें, फिल्में देखें, थिएटर में जाएँ, OTT पे देखें, बट फिल्में ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अब दोबारा पूछिए, आप तो ऐसा बोलो नहीं एक्साइटेड है और हम रियली एक्साइटेड, आई एम नर्वस ऑल्सो, अभी हिट नहीं हुई, अभी हिट होने वाली है, सो देयर इज टाइम। मैं बोलूँ इनका एक्साइटेड क्या है, मैं इनको बता रही हूँ, मैं सपोर्ट में बोल रहा हूँ। एक्चुअल में जब किसी का लड़का अगर पहली बार पैदा होता है, बहुत खुश नहीं होता कि मैं बाप बन गया, वैसे ये माँ बन गई, समझ लो अगर पिक्चर हिट हो गई तो। यार तारीफ तो करने की सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं, जब देखोगे तो खुद ही मालूम चलेगा। सिंपल सी बात है कि लोगों को कॉपी पेस्ट देखने की आदत खत्म हो गई, वो चीज़ें। आई गेस इट्स अ लव स्टोरी और लव स्टोरी हमेशा एडमायर्ड होती है, सो इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है, ऐसा किसी को अच्छा ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इट्स अ टॉप ऑफ द फिल्म एंड रोमांटिक फिल्म, इट्स अ सोलफुल पोएटिक फिल्म, तो सबको अच्छी लगेगी। आप इस फिल्म से कैसे जुड़ी हैं? मैं तो बेसिकली आई एम हियर टू होस्ट द स्क्रीनिंग, लेकिन ये नेक्स्ट मूवी की हमारी एक्टर भी है। थैंक यू सर। आप बताइए आज अजय पांडे मूवी जुड़ी है, क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड है? पश्मीना एक दिल से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रोजेक्ट है और मैं स्पेशली थैंक्स मैं अपने प्रोड्यूसर को देता हूँ, डायरेक्टर को देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत सी फिल्म करने का मुझे मौका दिया। एज ए प्रोड्यूसर इन्होंने मुझे वो हर फ्रीडम दिया जो एक DOP को चाहिए और मैंने अपना काम करके दिखाया। और फिल्म जो आप पूछ रहे फिल्म कैसा है क्या, तो मैं ये बोलना चाहूँ फिल्म एक ऑडियंस क्यों जाए देखने के लिए, तो हर ऑडियंस को रहता है कि मैं कुछ ऐसा फिल्म देखूँ जिसमें मैं खो जाऊँ। ये फिल्म खोने वाली फिल्म है, आपको लगेगा स्लो पॉइजन की तरह ये फिल्म ना आपको असर कर रहा है बहुत। मुझे लगता है मैं खुद भी एक म्यूजिक लवर हूँ, सिनेमाटोग्राफर से पहले मैं खुद एक सिनेमा लवर हूँ, तो ये फिल्म ना पहले मुझे बहुत पसंद आई कहानी तो, और मज़े से हम लोग ने इसको काम किया। आप लोग को भी मुझे लगता है ऑडियंस देखिए, ऐसा है कि प्रोड्यूसर का हिम्मत तब बढ़ता है जब उसके साथ वाले टीम जब अच्छे काम करते हैं, तो वो इन लोगों ने करके दिखाया कि -5 डिग्री में भी ये शूट कर रहे हैं और मुँह से निकल रहा है वाओ, तो वाओ टाइम निकलते हैं। फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज करने वाले हैं? ऑल ओवर इंडिया यार, क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, अगर अभी तो इतना स्ट्रॉन्ग है अच्छा मेकर आप स्ट्रॉन्ग है और क्या क्या देखने को मिलेगा। टेक्निकल इसमें विजुअल सबसे बड़ी बात है, सबसे मैं पहला पॉइंट रखता हूँ स्टोरी का, स्टोरी इतना है ना, इतना ग्रिप पकड़ के रखा है, समझ गया इतना हाथ दर्द कर रहा है, स्टोरी इतना ग्रिप लगा ले कहीं आप बोर नहीं होंगे। और मैं इस चीज़ का जो इसका जो राज है मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं खोलना चाहता हूँ ताकि वो मज़ा नहीं आएगा। आप जो सोच नहीं सकते हैं एंड में वो होता है।
मूवी में बहुत कुछ है. लाइक द वेरी वन थिंग आई रियली वांटेड टू से अबाउट दिस पर्सन कि एक तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं. लाइक आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू हिम और मुझे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आई गेस एंटायर टीम इज फीलिंग सो कंफर्टेबल. सो ही इज वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट. थैंक यू सर. कहते रहता हूँ मैं पहले बड़े बड़े शो में छोटे छोटे रोल करता था तो मेरी शुरुआत इनके पास हुई है. ये हमारे पहली मेरी पहले टीवी शो के प्रोड्यूसर थे. बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू भावन. आई वाज लाइक आज करके मैंने कहा कि मैं काम छोड़ के आऊँ भावन को विश करने बिकॉज़ आई सीन ने मैं एज़ अ किड एंड आई बिकम सच अ बिग स्टार एंड सेंसेशन एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर द फिल्म. आई थिंक सीइंग यू ऑन द बिग स्क्रीन आज मैंने इतने मतलब एटलीस्ट दो या तीन होर्डिंग देखे एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज माय गाय. पूरा मुंबई भरा है. मेरा घर बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है. थैंक यू जो आपने देखा. कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. चलो क्या कहेंगे आज फिल्म की सीटिंग में आ गए हैं. आप जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो एक्टर हैं बहुत अच्छी एक्टिंग जो रहे हैं. आप क्या कहें? अरे भाभी मेरा भाई है यार तो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड प्राउड कि उसने जो किया है और जो और मैं ये मूवी रिलीज़ अब कल होने वाली है और आज प्रीमियर और मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ ये मूवी और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही डीप मूवी बनाई है. एंड आई थिंक मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में. एंड आई होप और मैं आप लोग से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सबको मज़ा आया और प्लीज़ कल रिलीज़ हो रही है 23 सितंबर को मूवी प्लीज़ जाके देखिए. बहुत अच्छी मूवी बनाई है. भाविन की किस जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? जो भाविन की बेस्ट जोड़ी मेरे साथ है. मैं किसी और जोड़ी के साथ देख नहीं सकता भाविन को. फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? गाने किस तरह के हैं? गाने कितने ज़्यादा कैची हैं. जो 2 घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो अभी रील्स पे भी ट्रेंड कर रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी 2 से 3 सॉन्ग निकले और तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे हैं. सो व्याप इतना अच्छा प्रोजेक्ट जब भाविन का ये वाला था विश्व पश्मीना आप उसमें क्यों नहीं आए भाविन? अरे मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे को नहीं ऑफर हुआ. मैं कैसे आऊँ? लेकिन ऑफर होना चाहिए ना उसके लिए. क्या शुभकामनाएं रहेंगी? मेरी शुभकामनाएं हमेशा पहले से आपसे हमेशा से थी और आगे भी रहेंगी. ऑल द बेस्ट मेरे भाई एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.